अमित जी, मतलब खुल्ला खुल्ला लूटा जा रहा है। मोदी जी का एक इंटरव्यू है, नहीं अमित जी, नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू है ANI को, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जब गुजरात में थे वो, तो उन्होंने OBC कैटेगरी में मुस्लिम कम्युनिटीज़, मुस्लिम ग्रुप्स को डाला, तो जब वो ऐसा करें तो वाह वाह, और जब ममता बनर्जी या फिर CPM की सरकार बंगाल में करे तो छी छी। ये बिल्कुल आपका पॉइंट लाजमी है, लेकिन एक बात आंसर करिए, एक बात प्लीज आंसर करिए, OBC में आप मुस्लिम जातियों को जोड़िए, कोई उसको डिनाई नहीं करता, अगर किसी का हक है तो मिले, लेकिन 71 में से 65 आउट ऑफ 71 65 आंसर दिस, डू यू थिंक दिस इज फेयर? तो 70 ग्रुप तो गुजरात में जोड़ दिए गए, इसमें क्या बात हो गई? और गुजरात से बहुत ज्यादा यहाँ नहीं, नहीं 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 आबादी है, आप तो खुद ही कहते हैं जोड़ी गई नई जातियों में 71 जातियों में 65 मुस्लिम जातियां जुड़ी हैं। नहीं यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्या आपको लगता है ये जायज है? क्या आपको लगता है ये इंसाफ है? और इंडिया अलायंस की अगर सरकार आएगी केंद्र के अंदर तो यही इंसाफ करेंगे आप देश के साथ? मैथमेटिक्स है, नहीं नहीं सीधी मैथमेटिक्स है, जिस स्टेट में मुस्लिम की आबादी जो है वो 10% है वहाँ पे उनका इंक्लूजन कम होगा, बंगाल में मुस्लिम की आबादी आप ही कहते हैं कि 30% है, ज्यादा होगा ना, बाकी 70% कौन है? एक प्रिंसिपल मैथमेटिक्स, बाकी 70% कौन है? तो उसी के आधार पे आ जाते हैं। वेरी गुड पॉइंट तौसीफ भाई, वेरी गुड पॉइंट, आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, वेरी गुड पॉइंट, आपने बिल्कुल सही बात बोली, आपने बोला कि भाई 10% होगा तो उतना होगा, 20 होगा तो उतना होगा, आपने बोला, और 30% है, 32% मान लेते हैं जी, मुसलमान बंगाल में 32% है, बाकी 68% कौन है? हिंदू की परसेंटेज क्या है? 64 तो होगी, नहीं है 64% तो होगा हिंदू, 63% तो होगा, सुनिए पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, उस 63% में से और टोटल 180 जातियों में से, टू बी प्रिसाइज 179 जातियों में से 118 मुस्लिम जातियां, यानी 66%, और हिंदू जातियां जुड़ी 61%, यानी 34%, अगर जनसंख्या के हिसाब से भी तौसीफ जी देख लेंगे तो अगर आपका हो गया मैं उत्तर दे दूं, ओबीसी कैटेगरी में आपने देख लिया, SC और ST कैटेगरी में एक भी मुस्लिम नहीं है, SC ST कैटेगरी में कौन है? आप SC ST कैटेगरी को साथ में OBC में जो हिंदू उनको साथ जोड़ करके देखिए, वही मेजॉरिटी में है, अब क्या बात कर? मैं तो OBC की बात कर रहा हूँ, बात करते अच्छा, एक, हैं, एक, अच्छा, अगर बीजेपी की कही हुई बातों को अपना जाइए, अगर इतना बीजेपी की कही हुई बातों को आप रिपीट ना कीजिए, अगर अगर ये आइडिया ऑफ मुस्लिम आरक्षण की बस्ती को जलाइए, भाई मेरी बात को सुनिए, आप ओबीसी तौसीफ जी अगर ये इतना फेयर था तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन क्यों किया? तीनों कैटेगरी होता है रिजर्वेशन का, अगर ये इतना फेयर था तो हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन क्यों किया? ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास, तीन कैटेगरी है रिजर्वेशन का, तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये फैसला अगर ओबीसी की कैटेगरी उसके आधार पे भी आप कर ले, जीरो मुस्लिम उसके आधार पे भी आप कर ले, कुछ मुस्लिम उसके आधार पे भी आप कर रहे हैं तो मामला गड़बड़ है, अगर इतना मामला सही था फेयर था तो हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन क्यों किया? 10 सेकंड में जवाब। हाई कोर्ट ने SC ST को कंसीडर ही नहीं किया, हाई कोर्ट ने एक सिर्फ इस बात पे हाई कोर्ट गई कि भाई आप तो मैं भी तो ओबीसी की बात कर रहा हूं, क्राइटेरिया है वो गलत है, तो फिर उनका कहना है कि एनआईसी के लॉ के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी, तो ममता जी तो नहीं फैसला कर सकती ना, तो ममता बनर्जी ने क्यों बोला कि मैं हाई कोर्ट की बात नहीं मानूंगी? ये तो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आप तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट नहीं है ना, ये हाई कोर्ट ऑफ द कोर्ट है, ममता जी ने क्यों बोला कि मैं हाई कोर्ट की बात नहीं मानूंगी? नहीं मानेंगे क्योंकि वो अपील में जाएंगे, तो अपील में जाएं सुप्रीम कोर्ट, तब तो माननी पड़ेगी जी, अगर अपील में जाएंगी जब तक फैसला नहीं आता, जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आता, तब तक हाई कोर्ट का फैसला प्रिवेल करेगा, मेरे देश का संविधान तो यही कहता है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, स्कैम में भी हाई कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को मॉडिफाई किया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को मॉडिफाई किया SSC मामले में। ओके जवाब सुधांशु त्रिवेदी का जवाब जरूरी है, लंबे अरसे से आप बोल रहे हैं सुधांशु जी। देखिए तौसीफ भाई, अब बचाव के लिए मेरे विचार से खैर उनकी मजबूरी है, उन्हें करना है। भाई साहब, SC ST और OBC में फंडामेंटल अंतर जानते क्या है?
एसटी का फुल फॉर्म है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एससी है शेड्यूल्ड कास्ट, और ओबीसी है अदर बैकवर्ड क्लास। क्लास और कास्ट का अंतर समझिए। और एससी को आरक्षण मिल रहा है आजादी के समय से, एससी डिफाइंड है आजादी के समय से। और सुनिए, और एससी को कॉन्स्टिट्यूशनली मान्यता प्राप्त है, एससी को लोकसभा और विधानसभा में भी मान्यता प्राप्त है। भाई देखिए अलग अलग चर्चा में एससी और एसटी को रिजर्वेशन देना जाता है ना, ओबीसी का भी वही काम है रिजर्वेशन देना। और एससी में किसी गैर हिंदू को नहीं मिल सकता, मुस्लिमों को नहीं मिल सकता, यह संविधान सभा के समय स्पष्ट हो गया, क्योंकि वो हिंदू समाज की जाति व्यवस्था के सीधे प्रभाव का क्षेत्र है। अगर आप नहीं तो आप कहिए कि जो हिंदू समाज में ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूत्र में चार जातियों का उल्लेख है, उससे आप अपने को जुड़ा मानते हैं? बोलिए हाँ या ना, तब हम मान लें कि आप एससी की बात कर रहे हैं। बड़ा बढ़िया भैया, वैसे तो हम कहेंगे कि साहब हम तो वो हैं, हम तो साहब बिल्कुल पक्के ईमान वाले हैं और वो काफिर हैं, मगर मुझे काफिरों वाला वो चाहिए, एससी भी चाहिए, ताकि मुझे उसका फायदा मिल जाए। और दूसरा मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं मान्यवर, जब आप इस प्रकार की बात करते हैं तो पुनः याद कर लीजिए, संविधान सभा में यह विषय को हमेशा के लिए बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया गया था। और ओबीसी का जो विषय की आप बात करते हैं, आजादी के समय ओबीसी जैसा कोई विषय ही नहीं था, ओबीसी वर्ड ही नहीं था। 53 में पहली बार एक कॉन्सेप्ट आया, 60 के दशक के अंत में आया, भारत सरकार की टर्मिनोलॉजी में 6-7 अगस्त 1990 से पहले ओबीसी ऐसा वर्ड ही नहीं था, एससी हमेशा से। और यह क्यों हो रहा है अमीश जी, मैं देश के सारी करोड़ों जनता से कहना चाहता हूं और ओबीसी भाइयों से कहना चाहता हूं, ये जानते हो क्या हो रहा है कि मुस्लिम तो 27-28% एक है, क्योंकि मुस्लिमों का एक नेता होता है, ओबीसी का एक कोई नेता नहीं होता। आज बताओ भारत में कोई पिछड़ों का नेता है? लालू यादव जी पिछड़ों के नेता नहीं, सिर्फ यादवों के नेता है, और सिर्फ बिहार में। मुलायम सिंह यादव जी सिर्फ यादवों के स्वघोषित नेता है, तो भी नहीं मानता कि वो ये नेता है, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। इसीलिए लालू यादव जी नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी जाति को। वो रामविलास पासवान जी अलग हुए, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो मुसहर जाति के जीतनराम मांझी जी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उपेंद्र कुशवाहा जी है जो हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को नहीं बर्दाश्त कर पाए। जाति का नेता और कोई जाति हिंदू समाज में 20% नहीं है, मुस्लिमों का एक ही नेता असम में बदरुद्दीन अजमल है, पश्चिम बंगाल में पीर दादा अब्बास सिद्दीकी है, हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी है। तो इसलिए ये पूरे देश में स्पष्ट है, इसीलिए समझ जाओ मेरे भाई, पार्टियां गलत थोड़ी कर रही है। एक पलड़े में पक्का रखा है 27% और दूसरे में टुकड़े टुकड़े, तो इनका तो लक्ष्य साफ है। ओके पाशा साहब, पाशा साहब अपना है 80 में टुकड़े करना है। पाशा साहब 30 सेकंड पाशा साहब। सुधांशु जी देश को गुमराह कर रहे हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। और यह सवाल बहुत वैलिड है कि एससी में मुसलमानों को क्यों बाहर रखा गया है? धर्म के आधार पर बाहर रखा गया ना। एसटी में मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया है? धर्म के आधार पर बाहर रखा गया है। तो धर्म के नाम पर आप भेदभाव कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं मुसलमानों को, लेकिन अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात आती है उनकी गरीबी के आधार पर, उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर, उनके एजुकेशनल पिछड़ेपन के आधार पर, तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। और ये बात कर रहे हैं एक नेता की, कौन है नेता मुसलमानों का एक बता दीजिए आप। सुधांशु जी एक नाम ले लीजिए आप, कौन है मुसलमान का नेता? ओके सुधांशु, सुधांशु 10 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछा गया, ऑडियो डाउन। सुधांशु 10 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकंड। मैं बताना चाहता हूं, हां बिल्कुल 10 सेकंड में, मैंने 10 नाम तो और गिना दिए। और मैं कहना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी मुसलमानों के नेता हैं, मुलायम सिंह अपने को मुसलमानों का नेता मानते हैं, राहुल गांधी मुसलमानों का नेता मानते हैं, क्योंकि मुसलमानों में कोई सैयद का नेता नहीं है, कोई शेख का नेता नहीं है, कोई पठान का नेता नहीं है, कोई गद्दी का नेता नहीं है, कोई घोसी का नेता नहीं है, कोई अंसारी का नेता नहीं है, कोई पेनाह का नेता नहीं है, कोई चुनाये का नेता नहीं है। हिंदू समाज में जातियों में तोड़ तोड़ के नेता खड़े करके रखो और वहां एक है, वरना अनवर पाशा साहब बता दीजिए क्या मुस्लिम समाज में जब आप लेकिन आपको सिर्फ हिंदू का नेता साबित करने में लगे हुए हैं। वो रोज मुसलमानों को गाली, सुबह उठ के मुसलमानों को गाली दो। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है ब्रेक के बाद। लेकिन क्या वाकई मुस्लिम आरक्षण पर सही थे मोदी? हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रूफ हो रहा है। ब्रेक के बाद